पंजाब में नशे के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के कई सदस्य पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसा ही एक मामला आज फिर पुलिस के सामने आया जब पुलिस ने एक नाइजेरियन युवक को आधा किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ओकाई डेस्टिन नाम का यह युवक पहले भी नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। CIA स्टाफ के इंचार्ज अजय कुमार के अनुसार जलंधर पुलिस ने आज से 4 महीने पहले एक जाम्बिया के युवक को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया था, जिसने बताया था कि जलंधर में ओकाया नाम का नाइजेरियन युवक को नशा सप्लाई करता था, जिसके बाद पुलिस ने ओकाय को गिरफ्तार किया। पर जब ओकाय के घर की तलाशी ली गई थी वहां से उन्हें कुछ नहीं मिला, जिसके कारण उसे जमानत मिल गई। पर जब पुलिस ने उसे आधा किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने उसको 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। ये नाइजीरियन है, ये नेशनलिस्ट और काफी लंबे समय से यहाँ पर था, रह रहा दिल्ली में, तो ये वहां से ड्रग्स लेकर के यहाँ सप्लाई करता था। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनको ये ड्रग्स देता था। क्या ये स्टूडेंट है सर? नहीं, ये स्टूडेंट नहीं है। कहाँ से गिरफ्तार किया, क्या रिकवरी हुई है इससे? 500 ग्राम हेरोइन जो है इससे रिकवर हुई है, और ये सूर्य एनक्लेव करके जगह है वहाँ पे उसको अरेस्ट किया। इस पे पहले भी बच्चा है? हाँ, इस पे है, ये कुछ देर पहले इसको पकड़ा गया था, करीब शायद 2 महीने पहले। क्या नाम क्या सर? इसका नाम पुकाए है, पुकाए। नाइजीरिया से। सर ये बात बताइए, जो इस पे पहले केस था उसमें ये जमानत पे आया हुआ? हाँ, उस पे उसको बेल मिल गई, तभी तो बाहर आया ना। हाँ, किस केस में पकड़ा गया था पहले? सेम केस था, ड्रग्स का केस था।